बोल गुर्जंपेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, हरि तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो गुरु जंप, नमो गुरु ज्ञान दिवाकर, नमो गुरु उपदेश, नमो गुरुदेव विद्याधर, नमो नमो सिद्ध साध, नमो ऋषिराज मुनिवर, नमो नमो पितु मात, नमो सर्वदेव पुरंदर, नमो नमो विधिदेव, नमो ब्रह्म सर्व आत्मा, कर जोड़े यू दब कहे, नमो श्री विष्णु परमात्मा। नमो इष्ट निज देव, नमो सब श्रेष्ठ गुसाई, नमो सकल आधार, नमो सब ही घट साई, नमो निर्गुण गुण रहत, नमो निराकार निरंजन, नमो सगुण साकार, नमो संतन मनोरंजन। पूर्ण ब्रह्म अकाम हरि, सकल कामना देत है, नमो नमो के उद्भवो, विष्णु परमात्मा। आइए एक छोटा सा भजन गुरु महाराज को पुकारते हैं। सबसे पहले हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान जम्बोज के चरणों में नमन करते हुए, और मेरे स्टेज पे जितने मेरे संत है, सुंदरदास जी, सभी संत बैठे हैं, बीच में देख रहे हैं। और पहले हमारे अगहाज कर रहे थे, ये संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं आचार्य जी, सतीदान जी, सभी संत मिल करके। तो सभी के चरणों में मैं भीतर जो बैठी सता उनको प्रणाम करते हुए, मेरे संगीत मंडली और बाहर से आए हुए माताओं बहनों, छोटे नन्हे बच्चे, सभी के भीतर जो चैतन्य सता प्रणाम करते हुए मैं कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। भूल जो तो क्षमा कर, विष्णु रावतारी तार महिमा जग में भारी, संत बुलावे भगत बुलावे रे गावे, आव जी गुरुदेव, Thank you.
बाजी के पीपाशर में आया अजियो बाजी के पीपाशर में आया माँ हंसन गोद खिलाया माँ हंसन गोद खिलाया पीपाशर में गोत पर चो जीते विष्णु राय बारी सारी जग में महिमा बड़ी बारी ए भगत बुलावे संत बुलावे बेगा बेगा आओ जी गुरु रे जी ओ जा बाजी तारे शरणे तू तो
बोला गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय हो। देखो ये तो पीपासर की घटना है और यहाँ जो घटना है यहाँ भगवान जाम्बू जी ने अपनी लीला को ये कंकड़ी के पास बैठ करके और अपनी यात्रा पूर्ण करी तो भी वो जगह है यहाँ अंतिम अंत गताशो माता अंत समय में जहाँ उनका मन रहता है वैसे ही वहां जन्म हो जाता है। अगर आपकी गाय भैंस में मन हो गया तो आप गाय भैंस बनना पड़ेगा और अंत समय में अगर आपको भगवान याद आ गया तो आप भगवान के पास चले जाओगे। देखो यहाँ पहले पूर्व उजाड़ था अब जंगल में मंगल हो गया और जहां बिजने ये उजड़ वर्षा वर्षे उजाड़ा शहर करे तो घरियो जीव ने उजाड़ का शहर बन जाता है शहर का उजाड़ हो जाता है। तो सचिदानंद जी मेरे ये का एक साखी बोलनी है तो ये भजन बोल दिया आप एक साखी जो साखी है वो अंतिम समय में ये बोली जाती है जब मानव अपना प्राण त्याग देता है उस समय ये साखी गाई जाती है ये चेतावनी साखी है। ए सैया जुग वो दातार पानी सो पिंड कर सैया जुग वो दस मास
सुखवास पाठू पातर सकल सो है इष्ट हमार जम गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी त्यों लोकी रा देव
सकल घट अंतर्यामी पेट फूट नाही ताई सकल को सन्मुख दर्शे तीन ताप मिट जाय जिनके पद पंकज परसे अलका गोचर देव है सचित आनंद वेव सुरजन दासन देव की प्रीति करो नित सेव शीश धरणी धर कर तू नमस्कार सो बार इष्ट देवा वो जम्बु गुरु लीला हित अवतार भाव पात्र में अर्प करूं सुंदर जीवन फूल सतगुरु के अर्पण करूं ये ज्ञान का मूल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण शास्त्री धाम की सम्राधम पाम धाम की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की आज के आनंद की परम पूज्य व्यास नदी पर विराजमान लाला सरस्वती के महंत स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध गुरु जी रामाकृष्ण जी सम्राथल धोरा आदरणीय गायक कलाकार स्वामी लक्ष्मी नारायण जी सम्राथल धोरा परम आदरणीय लाला सर शास्त्री के सच्चिदानंद जी के छोटे गुरु भाई आचार्य केशवानंद जी स्वामी रमतानंद जी आदरणीय स्वामी मोहनदास जी आदरणीय राष्ट्रपति बाबा हनुमान दास जी विष्णु दास जी संत बिरंदर गायक मंडली बैठे हुए प्रभु प्रेमी सजनों माता एवं बहनों सबसे पहले मैं सबके हृदय में विराजमान ज्योतिष रूपी परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही खुशी का अवसर शुभ समय करुणा वरुणालय परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु अवतार हमारे इष्ट देव भगवान जम्बो जी की असीम कृपा से हम सभी लाला सर शास्त्री के इस पावन पवित्र सत्संग पंडाल में बैठ करके और जमवाणी हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अभी आप सभी ने गायक कलाकार स्वामी लक्ष्मी नारायण जी के श्री मुख से भजन और साखी श्रवण की। आगे हमारे विष्णुई साधु समाज के महान विद्वान आचार्य जी के मुखारविंद से आदमी से जीवन में गलती से भूल से किसी कारण से पाप हो जाते हैं। पाप करना कोई नहीं चाहता, पाप हो जाते हैं। तो कैसे हैं कि ऐसे पाप से निवृत्ति छुटकारा कैसे हो? तो व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए पाप को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा जो साधन है वो है सत्संग। इसलिए महापुरुषों ने कहा एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साध की अड़े कोटि प्रात। हम एक घड़ी यानी 24 मिनट सत्संग सुने, 24 मिनट नहीं सुन सकते हैं तो 12 मिनट सुने
12 मिनट नहीं सुन सकते तो 6 मिनट भगवान की कथा सुने, उससे हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और दूसरा कहते हैं भगवान का नाम सुमरण करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। और देखिए ये सब जितने भी धार्मिक प्रोग्राम कथा कीर्तन नाम जप इत्यादि हम करते हैं तो पापों से छूटने के लिए गुरु महाराज हम जिनका विष्णु भणता पाप क्षयो, भगवान विष्णु के नाम का सुमरण करने से आदमी के पापों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो ऐसे जो है पाप नाशिनी सत्संग में जामवाणी हरि कथा में आप सभी महानुभव पहुंचे हैं तो आप बड़े जो है सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली नहीं, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान जामवाणी जी की इस जो है तपो स्थली निर्वाण स्थली जहां से भगवान जामवाणी जी 51 वर्ष और 3 महीने लगातार जो है ज्ञान उपदेश देते हुए फिर दुनिया पूरे जो है दुनिया में संसार में भगवान जामवाणी जी ने जीवों के उद्धार के लिए कल्याण के लिए ज्ञान उपदेश शब्द वाणी श्रवण कराई। और ऐसी जो है शब्द वाणी का उपदेश देते देते भगवान जामवाणी जी जब इस धराधाम से वैकुंठ लोक जाना चाहते थे तो यहाँ आकर के भगवान जामवाणी जी ने इस जो है पावन पवित्र शुद्ध भूमि में अपना ये जो कंकड़ी है हरी हरी जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, धोक लगाते हैं, नमस्कार करते हैं, यहाँ आकर के भगवान जामवाणी जी ने अपना आसन लगाया और भगवान जामवाणी जी ने यहाँ बैठे बैठे कहा 12 थाप गणा नठार, हमें 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए कल्याण करने के लिए आया और घना नठार मैं अभी ज्यादा नहीं रुकूंगा। जब भगवान जामवाणी जी ने ये बात कही कि मैं अभी ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। देखिए भगवान जामवाणी जी से कितना जो है प्रेम था, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। और ये भी आपने सुना होगा, संत महापुरुष कथाएं सुनाते हैं कि भगवान जामवाणी जी ने जब अपने जो इस नश्वर शरीर को छोड़ा है, परित्याग किया और जो जो लोगों ने भाई बंधुओं ने माता बहनों ने अपने कानों से ये सुना कि भगवान जामवाणी जी मृत्यु लोक को छोड़ करके वैकुंठ लोक जो है चले गए तो कई लोगों के तो खड़े खड़े, कईयों के बैठे बैठे, कईयों के सोए सोए शरीर में से प्राण निकल गए। इतना जो है प्रेम था, इतना भाव था, इतना लगाव था। ये वो जो है प्रेम पावन जो है भूमि है जिस भूमि में बैठ करके हम भगवान जामवाणी जी की वाणी, भगवान जामवाणी जी की लीलाएं, भगवान जामवाणी जी के द्वारा दिए हुए उपदेशों को सुनेंगे जिससे हमारे अंदर में अगर कहीं कोई प्रेम भावना की कमी है तो प्रेम भाव हमारे अंदर जो है संचरित होगा, आएगा। और देखिए आप साखियों को पढ़ेंगे देखेंगे तो जितने जो है कवि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उनको भगवान जामवाणी जी से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। तो भगवान जामवाणी जी कि वैकुंठ लोक का जब ये संसार सुना तो उनके शरीर में से जो है प्राण निकल गए और वो ज्योति जो है उस पूर्ण ज्योति में समाहित हो गई। तो ऐसा ये पावन पवित्र स्थान जहां बैठ करके हम भगवान की जो है कथा श्रवण कर रहे हैं और उस कथा को सुनने से देखिए प्यारे बंधु, सबसे पहले तो ये होता है कि एक आदमी का उस परमात्मा के साथ में जुड़ा हो, परमात्मा के साथ में जो है संबंध संधे प्रेम, परमात्मा के साथ में हमारा प्रेम संबंध जो है बने। मेन मुख्य जो है कारण ये है, देखिए बाकी तो व्यवहारिक जो बातें हैं वो होती होती है और हम जो है
या भौतिक जीवन जी रहे हैं तो भौतिक सुख सुविधा की बातें भी, आश्रम के व्यवस्था की बातें भी, और आश्रम में आप जो सहयोग देते हैं वो बातें भी सब होती है। लेकिन सबसे जो मुख्य जो है अहम जो बात है, मुख्य मुद्दा है, वो है हमारा उस परमात्मा के साथ में परम प्रेम संबंध है तो बना रहे। अगर खुदा ने खासता परमात्मा के साथ में जुड़ाव में लगाव में प्रेम में कोई कमी आई तो हम सत्संग कथा सुन करके और हमारा उस परमात्मा के साथ में प्रेम संबंध जो है बन जाए। इसलिए जो है प्यारे बंधु माता बहनों भाइयों, ये कथा हम सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो भगवान जाम्बू जी ने जब ये बात कही कि बारह थाप गणा ने ठार 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए आया और गणा ने ठार माने ज्यादा नहीं रुकूंगा, तो सबकी आंखों में अश्रु धारा है बहने लगी और अपनी आंखों का आंसू जो है पहुंचते हुए कोई भगवान जाम्बू जी का प्रेमी भक्त सभा में उठा और भगवान जाम्बू जी को प्रणाम करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, जब आप इस तरह धाम को मृत्यु लोक को छोड़ करके और बैकुंठ लोक चले जाओगे तो हम आपके दर्शन कैसे पाएंगे। तो भगवान जाम्बू जी और कथा श्रवण करनी चाहिए, एक मन एक चित होकर के कथा में आए हैं तो केवल और केवल जो है अपने मन को कानों में रख लो। और अभी जो है आचार्य श्री क्या कहने जा रहे हैं उसके लिए, जैसे जो है इधर आपने देखा होगा ऊंट और सांडों को चरते हुए देखा होगा, वो नस लंबी करके ऊंचे जो है ऊपर हरे हरे और ज्यादा हरे हरे पत्ते हैं उनको जो है जीवने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार हम जो है अपना मन कानों में रख करके पूरे तैयार रहे कि अगली बार जो है क्या बात कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुने और सुन करके अपने जीवन में धारण करें अपनाएं, तब हमारी जो है कथा सुनना सफल। तो भगवान जाम्बू जी ने 45 नंबर के शब्द में बहुत सारी ऐसे जो है बातें कही का दो मन दो दिल सुनियन कथा, दो मन दो दिल कहियन कथा। और जब सुनने वालों का मन कथा सुनने में नहीं लगता है तो फिर कहने वाले का मन भी जो कहते हैं महापुरुष वो भी ठीक तरह से कह नहीं पाते। इसलिए हमें बार बार क्या कहना पड़ता है कि शांत होकर के मौन होकर के कथा सुनो। जब जब कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वालों का एक मता होता है, एक मन होता है, तब हम अच्छी तरह से कथा जो है सुन पाते हैं। इसलिए भगवान जाम्बू जी ने कथा का और का उत्तम संग सुसंग, उत्तम संग करना, उत्तम संग अच्छे जो है सजनों का, महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का, संत जो है महात्माओं का सत्संग करना, जिस संग के करने से, जहां बैठने से, जिनकी बातें जो है सुनने से हमारा तन मन दोनों पवित्र हो, हमारी आत्मा की शुद्धि हो, बुद्धि शुद्ध हो, तो हमारी बुद्धि जो है कैसे शुद्ध होगी का बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, हमारी बुद्धि ज्ञान सुनने से शुद्ध होगी। अपनी बुद्धि को जो है शुद्ध करने के लिए, अपनी बुद्धि को जो है स्वस्थ और निरोग करने के लिए ज्ञान सुने, तो हम सभी जो है यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। तो मैं कोई लंबा चौड़ा जो है नहीं बोलना चाहता था, फिर भी जो है आप का प्रेम देख करके और हमारे जो है आचार्य जी बड़े जो है सरल स्वभाव और सबको जो है साथ में लेकर के चलते हैं, सभी जो है संत महापुरुषों से आप सभी से बहुत जो है प्रेम और लगाव रखते हैं, तो उस प्रेम से जो है बोले हैं। और आचार्य जी ने अब की बार बहुत अच्छी जो है आपके सहयोग से बहुत बढ़िया जो है
व्यवस्था करवाई। ब्रह्मलीन स्वामी जो है राजेंद्रानंद जी महाराज जी ने बहुत काम कराया, बहुत काम कराया और उस काम को जो है आगे बढ़ाते हुए आचार्य जी है सच्चिदानंद जी ने इतना बढ़िया जो है टीन सेट बना दिया। अब बरसात आए तो भी हमें उठ करके भागने की जरूरत नहीं है और भी जो है अगली बार जब कथा आएंगे तो इसको और बढ़िया जो है सजा करके और तैयार कर दिया जाएगा। और उधर कितना सुंदर जो है भामाशाहों के जो है सहयोग से गेट बना दिया और चार दीवारी बना दी और गायों की सेवा होती है। आए हुए जो है भाई बंधुओं की हर तरह से जो है भोजन की और रहने की व्यवस्थाएं, कपड़े चारपाई इत्यादि की और नहाने की धोने की जो है बहुत बढ़िया अच्छी जो है व्यवस्था हुई है। ये आप सभी के जो है सहयोग से और आपका सहयोग भी बहुत महत्व रखता है तो आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद है और स्वामी जी के जो है चरणों में प्रणाम है। बोले विष्णु भगवान की। बहुत बहुत आभार पूज्यवाद गुरुदेव का। गुरुदेव ने कम शब्दों के अंदर इस भूमि का बड़ा विस्तार से आपको परिचय करवाया और कथा को किस प्रकार से हमें सुनना चाहिए, कथा की क्या महत्व होता है इस बारे में पूज्य गुरुदेव ने आपको बताया। और अब इसी कड़ी में पूज्य पाद समराथल दौरा से पधारे हुए महंत जी रामाकृष्ण जी गुरुजी से निवेदन करूंगा कि भी वो ये अपने विचारों से सभी को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। आज के आनंद की सभी संत मंडल स्वामी जी ने प्रत्येक पहले दे दिया, ये वो जगह है जिस जगह में गुरु महाराज का दिव्य शरीर था। खाना पीना इन शरीरों का होता है और दिव्य शरीर होता है उनके लिए कोई जरूरत नहीं किसी चीज की भी, न वे अन्न खाते थे न वे पानी पीते थे और उन्हें कहीं जाने आने की जरूरत नहीं थी। वो जहां इच्छा होती भगत की वहीं प्रगट हो जाता। प्रगट होना गुरु महाराज का तो उस शरीर की हम क्या महिमा कर सकते हैं, जहां भी जरूरत है वहीं प्रकट हो जाए प्रमाण है। आपने समरथल के पास में बच्चों के साथ में खेल खेल लेंगे, बच्चों से कहा कि भाई आप छुप जाओ लुको तो बच्चे लुके जहां भी देखे तो जहां जामोजी करूं, जहां देखे वहीं जामोजी करूं। तो भगवान की महिमा का कोई पार नहीं। और जब उन्होंने कहा कि अब मेरे को तुम खोज कर लेनी शोध लेना तो कहां गए, उनके हृदय में विराजमान हो गए। अब तो बाहर सोचते फिर हम बाहर भगवान कहां थे, हाथ नहीं आए। तो इसलिए भगवान की जो महिमा है भगवान की जो लीला है उनका कोई वर्णन कभी लोग जहां तक पहुंचते हैं वहां तक ही करते हैं। भगवान की जो माया है भगवान का जो खेल है वो बड़ा विचित्र है। उसको समझने के लिए उनका विचार करने के लिए ये कथाएं ये जागरण ये सत्संग किया जाता है। तो भगत का भाव पूर्णने के लिए भगवान भक्ति के रस में होकर के लोगों को अमृत पाया और उन्होंने वो अमृत पा करके वो इस
जीवन मरण शरीर से छुटकारा पा करके वो अपने जहां कहीं मरना ना पड़े ऐसे लोग में चले गए। तो आप भी अपने जीवन को सफल बनाएं और ऐसे सफल बनाएं इस जगह आकर के, क्योंकि मरने जीने का रोग एक मोटा रोग है। कब तक मरेंगे, कब तक जिएंगे, कोई पता नहीं, गिनती नहीं है, अनगिनती की चीज है। तो अंधेरे में कोई वस्तु आप विचार करें तो अंधेरे में कोई वस्तु नहीं मिलती है जब तक प्रकाश नहीं होता। तो इस शरीर में आत्मा का प्रकाश है। आत्मा जो ऐसी चीज बनाई भगवान ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा कोई अशुद्ध नहीं होती, आत्मा कोई अपवित्र नहीं होती। शरीर अपवित्र होता है, शरीर अशुद्ध होता है, आत्मा न मरती है न जीती है। आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, तो उसकी पहचान करने के लिए ये मानव तन दिया है। जितनी 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो मानव तन है, स्वतंत्र है, और इसके पीछे माया की उपाधि लगी हुई है भूल डालने के लिए। तो माया रूपी शरीर नहीं है ये, ये पांच तत्वों का शरीर है, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इनसे बना है। तो माया इसको भुला देती है, उस भूल को निकालने के लिए सत्संग में आना पड़ता है और सुनना पड़ता है, सर्वर मनन निधि ध्यान करना पड़ता है। तो उनको यदि उसका जो फायदा होना हो वो मिल जाता है। तो देखो कितने ही परिश्रम करके संत महात्मा अपना समय निकाल करके आप लोगों के लिए तरवर सर्वर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। एक जगह में बड़े प्रोग्राम में गया, वहां मंडलेश्वर महाराज जिक्र कर रहे थे कि भाई कई तो लोग ऐसा होता है छोटी अवस्था में साधु बन जाते हैं, कई आधी उम्र में ही बन जाते हैं, कई बुढ़ापे में ही बन जाते हैं। किसी ने प्रश्न करा तो उन्होंने उत्तर दिया उसका कि जिसका पिछले जन्म का पुण्य ज्यादा होता है वो बचपन से ही लग जाता है, जिनका थोड़ा होता है वो उनकी ज्यादा उम्र में ही वो चीज मिलती है। तो इसलिए साधु जो है, साधु दर्शनम पुण्यम सन्मुखे पापनाशनम, साधुओं का तो दर्शन करने से पुण्य होता है और पाप नाश जाता है। क्यों कि साधु ऐसा जानिए दुखे दुखावे ना, पान फूल तोड़े नहीं रहे बगीचे माए। साधु कैसा होना चाहिए कि संसार रूपी बगीचा है, इसके फूल लगे हुए हैं, सब तरह का है, रहना रहना तो इसमें ही पड़ता है, मगर इसमें से कुछ तोड़ना करना या इसको बिगाड़ना साधुओं का काम नहीं। साधु नाम साधना में लगे हुए परमात्मा की प्राप्ति करने का काम है। तो हमारे जीवन को साधना में लगा करके और अपने घर रह करके चौथी आश्रम को निभा करके अपने जीवन में भक्ति रस को पी करके इस नाशवान शरीर को, जन्म मरने को, दुख सुख को भोगने वाली जो चीज है उनको छोड़ करके, और जैसे गुरु महाराज ने बताया है उसी प्रकार से अपने 29 नियमों का पालन करना चाहिए। 29 नियमों में सब कुछ आ जाता, कुछ बाकी नहीं रहता। क्यों? क्यों उसमें एक महीने में सारे नक्षत्र, सारी ग्रह, सारा ही पुण्य का काम सब आ जाता। तो उनको पालन करने के लिए हमारा ये मनुष्य जीवन और हमारा विष्णु ही घर जन्म, तो ये बड़ी बात है। हमारी समाज को एक दूसरे वाला समाज वाला बोल रहा था
कि मैंने विष्णु समाज तो ऐसे देवता रूपी देखे, ऐसा समाज भारत में के विदेशों में भी नहीं, ऐसा विष्णु समाज है ऐसा भारत में ही नहीं है, विदेशों में भी मिलता ही नहीं देखने को, इनके तो दर्शन करने से पुण्य होता, इतनी बड़ाई करी उसने। तो हमारे पास धर्म है, पुण्य है, नेम है, यदि हम कामयाब हैं, और नहीं तो भाई नेम छोड़ने के बाद में तो फिर अपना जो है कोई भी, सबके नेम होते हैं, गाड़ी चलती नेम से चलती है, दिन सूर्य उगता नेम से उगता है, तो मनुष्य को भी नेम रखने चाहिए, साधु संतों को भी नेम रखने चाहिए, नेम से चलना चाहिए, और अपने जीवन में नेम ही काम देने वाला है। तो इसी इतनी बात कह करके मैं मेरी वाणी को विराम, बोलिए जम्बे ईश्वर भगवान की। पूज्यपाद गुरुदेव ने बड़ाई सुंदर शब्दों के अंदर 29 नियमों के आचार संहिता को जीवन के अंदर धारण कैसे करना है, और जीवन के अंदर नियम कितने अनिवार्य है, क्योंकि गाड़ी के लिए भी नियम बताया गुरुदेव ने, उसी प्रकार मनुष्य के भी नियम है। इस जीवन को युक्तिपूर्वक जीना है तभी हमारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जो जन्म मरण का है इसकी कोई भी गिनती नहीं है, 84 लाख योनियां है। पुनः हम इसी संसार के अंदर आएंगे, पुनः इस पंच भौतिक शरीर को हम छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए गुरु महाराज की बताई हुई बातों पर गौर करना। और अब मैं पूज्य पाद बड़े गुरु भ्राता महंत स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आज श्री झम्बाणी हरि कथा का प्रथम दिवस है, और निरंतर 7 दिनों तक ज्ञान के गंगा को आप बहाइए और सभी के जीवन को कृतार्थ करिए, और कहता कहना इनका काम है लेकिन उनको श्रवण करना और जीवन के अंदर धारण करने का आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि कथावाचक सभी को नहीं सुधार सकता, कथावाचक गुरु महाराज की बताई हुई बातों को कह सकते हैं लेकिन उनको श्रवण करना और जीवन के अंदर धारण करना ये सभी का कर्तव्य बनता है, तभी जाकर समाज के अंदर एक नई उन्नति होती है और समाज को एक नई दिशा मिलती है। इसी के साथ में मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आप इस कथा को, प्रथम दिवस की कथा को आप ज्ञान की गंगा के अंदर बहाइए और सभी को इस ज्ञान रूपी गंगा के अंदर गोता लगवाइए। पूज्य गुरुदेव Please.
नमो सर्वदेवस्।
सुरंदर पांच तत्व ब्रह्मंडल नमो नमो ब्रह्म सर्वयात्मा कर जोड़े उदो कहे नमो श्री विष्णु परमात्मा नमो इष्ट निज देव नमो सब शिष्ट गोसाई नमो सकल आधार नमो सब ही घट साई नमो निर्गुण गुण रेत नमो निराकार निरंजन नमो सगुण साकार नमो संतन मनोरंजन पूर्ण ब्रह्म यकाम हरि सकल काम न देत है नमो नमो कहे उद्धवो प्रेम भक्ति तुम्हे कहे भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किया ना से विघ्न अनेक हरे नाम हरे कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा आइए थोड़ी देर के लिए श्रद्धा और भाव से हरि नाम संकीर्तन करें गुरुदेव के चरणारविंद मेरे तो आधार देव के चरणारविंद Thank you.
लाला सरसाथरी धाम की सुख शांति आनंद रहे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय, रोम रोम में रमने वाले, घट घट में बसने वाले भगवान गुरु जांबूजी की महती कृपा से विष्णु समाज के महाकुंभ फागुन मेले के शुभ अवसर पर आयोजित जांभाणी हरि कथा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लालासर साथरी के पावन प्रांगण में एकत्र होकर के हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हम सभी का अहो भाग्य कि कथा के शुभारंभ में वयोवृद्ध शमराथल धोरा के पूज्य महंत जी महाराज स्वामी राम कृष्ण दास जी, जिनका बहुत ही स्नेह और कृपा पूर्ण भाव आपका विगत 40 से अधिक वर्षों से साथरी के ऊपर रहा है। जब भी साथरी में कोई कार्यक्रम होता है और आपको याद करते हैं, निवेदन करते हैं, तो आप सब काम को छोड़ करके पहले यहां पधारते हैं। अब भी पूज्य महाराज श्री की आयु 90 वर्ष के निकट है, लेकिन ऊर्जा बिल्कुल युवाओं जैसी है। कल दिन में जोधपुर में हम लोग साथ नहीं थे, वहां पे यज्ञ किया था, रात जांबा में जागरण था, जांबा जागरण लगा के सुबह उनसे कहा कि भंडारा था वहां पे संतों का, लेकिन कहा कि मेरे को तो साथ में जाना है, वहां कथा शुभारंभ कराना है। सुबह जांबा से हवन करके और समय से यहाँ पधार गए और हमारे बीच में कितनी ऊर्जा के साथ में विराजमान है। पूज्य महाराज श्री का, महंत जी महाराज का पावन आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और आपका आशीर्वाद मिलना हम सभी का सौभाग्य है। बड़े सरल शब्दों में आपने भक्ति के सूत्र प्रदान किए, उन पे हम आगे कथा में चर्चा करेंगे, विस्तार देंगे। जो अनुभवी तपस्वी पूज्य संत होते हैं वो बड़ी बात को, बहुत गुड बात को बड़े सरल शब्दों में, छोटी सी बात में समझा देते हैं, और वैसा ही आपने किया। आज अपनी भावपूर्ण उपस्थिति हमारे बीच में, जिनका अनुग्रह, जिनका प्रवचन प्रसून हम सब लोगों ने प्राप्त किया, मेहराणा दौरा से हमारे बीच पधारे हैं पूज्यपाद महंत श्री स्वामी मनोहर दास जी शास्त्री जी महाराज। पूज्य महंत जी महाराज के वहां मेहराणा दौरा में साल में दो कथाएं होती हैं और एक से एक भव्य कथा होती है। जब 2013 में मैंने पहली बार वहां पे कथा की थी, उस समय मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में नया था, लेकिन पूज्य महंत जी ने मुझे अपना मंच प्रदान किया और वहां पे पूज्य महंत जी के जैसे अपने यहाँ अब सेठ बन के तैयार हुआ है, ऐसा ही भव्य सेठ वहां पे बना हुआ था। उस समय महंत जी से चर्चा होती थी कि कभी अपने वहां लालासर में भी सेठ बनाएंगे, तो महंत जी कहते हैं कि आपको तो बड़ा बनाना पड़ेगा, हमारा बालक छोटा है। लेकिन हमने कहा कि एक बार छोटा ही सही बन जाए तो बार बार टेंट लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो मन में
डर लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। और एक बार कथा हो रही थी तब टेंट था वो गिर गया था आंधी की वजह से, दो बार ऐसा वाकया हुआ। और जब कथा का मौसम होता है तो इस समय थोड़ा बहुत मौसम कभी कभार खराब हो ही जाता है, तब महजी ने कहा कि आपके वहां भी बनेगा, जल्दी बनेगा। तो आपके मुख से शब्द निकले और आज मैं साकार हो गया, सेठ बन के तैयार हो गया। और इसमें पहली कथा, और पहली कथा में पहला प्रवचन भी आप ही का हुआ है, क्योंकि पहले महन जी बोले फिर बड़े महन जी बोले, तो ये भी सुखद संयोग है। आज से चार दिन पहले तक यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं था, तो हमारे सेवक है बनवारी जी गोदारा और ये सब लोग लगे हुए, इन्होंने कहा कि अब तो टेंट वालों से भी बात नहीं की, सेट भी नहीं लगा, कथा कहाँ पे करेंगे। इनका कथा तो पंडाल में करने की घोषणा पिछली बार हुई थी, पंडाल में करेंगे, तब कहा कि यहाँ पे तो अभी तो कोई सामान ही नहीं आया, कैसे होगा। 8 तारीख की बात है, लेकिन 8 तारीख की शाम को सब लोग आकर के लगाने शुरू हुए। कल शाम तक भी यहाँ पे ऊपर की छत तो लगनी बाकी थी, लेकिन रात रात में ही कारीगरों ने सेवकों ने मिलकर के ये पूरा इतना बड़ा 15,000 स्क्वायर फीट का शेड लगा करके तैयार कर दिया। उन सभी सेवकों के लिए, हमारी माताओं बहनों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान था, इन्होंने भी जो है इसमें, जैसे राम जी सेतु बना रहे थे तब सब लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया, गिलारी थी वो भी जो है कंकड़ उठा उठा के डाल रही थी, कि सबका सहयोग इसमें हो जाए। और शायद इसीलिए ये काम पीछे रुका हुआ था कि मेले पे सबका इसमें हाथ लगना आवश्यक था, और सभी सेवकों ने अपनी सेवा दे करके इस दिव्य कथा के पंडाल को बना करके तैयार किया और आज इसमें कथा प्रारंभ हुई। तो पूज्य महंजी महाराज पंजाब से मेहराणा दौरा से चल के पधारे, हमारे पितृपा की आपका धन्यवाद तो शब्द बहुत छोटा है, आपका संतों की कृपा हो जाती है, अनुग्रह हो जाता है, तभी संत कृपा करते हैं। और जब भगवान कहते हैं कि मैं कृपा करता हूं तब संत मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, भगवान कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं जीवन में। और संत जब अनुग्रह कर देते हैं तो भगवत प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो संतों का आगमन हुआ हम सभी का सौभाग्य। और हमारे बीच पधारे बाबा चंद्र प्रकाश जी महाराज, जिनका पूरा समाज बड़े ही आदर और भाव के साथ में स्मरण करता है, उनके कृपा पात्र शिष्य और भारत सम्राट हैं लक्ष्मी नारायण जी महाराज, हमारे बीच में बैठे हैं, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, कभी हवाई जहाज में, कभी पानी में, कभी अपनी गाड़ी से हमारे बीच पधारे। और शुरुआत में ही आपने साकी और भजन गा करके कथा को ऊर्जा दी, गति दी। लक्ष्मी नारायण जी बड़े कृपालु महात्मा हैं, एक बार मोहनदास जी और हमें ऋषिकेश से साथ में लेके आए थे कथा करने के लिए, आप बार बार स्मरण करते रहते हैं। तो आपकी भी आज वाणी का रसास्वादन करने का हमें मौका मिला। और मेरे अभिन्न हृदय स्वामी मोहनदास जी महाराज ऋषिकेश से पधारे, पूरे भारतवर्ष से संत महात्मा पधारे, देखो कहां ऋषिकेश है। कल कल निनाद करती माँ गंगा का नाम लेके ही हम लोगों का भाग लग जाता है। संतों ने लिखा कि गंगा गंगेति योगयात योजना नाम सतेरपि ही मुच्यति सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गंगा गंगेति योगयात, गंगा 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 ऐसे कहने वाले, योजना नाम सतेरपि, हजारों सैकड़ों योजन दूर से यदि केवल गंगा गंगा नाम लेता है तो भी वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और वहां से उस माँ गंगा के तट पे संत महापुरुष निवास करते हैं, उनका दर्शन करने से भी कुछ जो है गंगा स्नान का अंश हमें भी प्राप्त होता है। तो महापुरुष ऋषिकेश से हमारे बीच पधारे हैं,
स्वामी मोहनदास जी महाराज का भी अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे वयोवृद्ध स्वामी भक्ति स्वरूप जी, रमकानंद जी और महात्मा गणेश दास, रघुनाथ जी, राघवानंद जी और हमारे श्री रामदास जी जो सदैव शास्त्री में उपस्थित रहते हैं। हम तो यहाँ रहे ना रहे लेकिन श्री रामदास जी आपको हाजिर मिलते हैं। तो स्वामी जी महाराज और हमारे हनुमान दास जी, राष्ट्रपति जी जो पिछले काफी समय से हमें अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। वैसे आप गज सुखदेसर गांव में रहते हैं और आजीवन राष्ट्रपति है, नाम से राष्ट्रपति है, पद से नहीं। तो हमारे बीच में अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं और इन्होंने संकल्प लिया कि अब जो शेष जीवन है वो सात्री के लिए समर्पित है, सात्री के लिए सुपुर्द है, यही रहूंगा, यही साधना करूंगा, यही तपस्या करूंगा। और हमारी एक साध्वी बाई उमा आई है धोरी मन्ना से, ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा पात्र शिष्या है। पीछे हमारी कथा थी मेघावा में, तब आप साथ रहे। एक दिन फोन किया कि मेरी बड़ी इच्छा है साथ ही कथा में रहने की, तो मैंने कहा जरूर आइए, भक्त लोग भी आपका सानिध्य प्राप्त करेंगे। हमारी बहुत सारी भक्तिमती माताएं यहाँ पे रहती हैं, जिनके साथ में आपका सत्संग होता रहेगा। और हमारे अनुज गुरु भ्राता स्वामी केशवानंद जी, स्वामी सुरेंद्रानंद जी, और पिछली अक्षय तृतीया को हमने दो शिष्य रत्न बनाए थे, जिनमें एक स्वामी प्रबोधानंद जी यहाँ आए हुए हैं और सुबोधानंद जी जो हरिद्वार में अध्ययनरत हैं। आप भी उपस्थित हुए, सभी संगीतकार गण और सामने विराजे हुए पूरे भारतवर्ष से हमारे बीच में पधारे हुए मुमुक्षु श्रोतागणों, भक्तिमती मातृशक्ति, युवान भाई बहन और इस लाइव माध्यम से अपने घर बैठे ही कथा का आनंद ले रहे सभी श्रावक भाई बहन, आप सभी के हृदय में विराजे हुए ज्योति स्वरूपी परमात्मा को दोनों हाथ जोड़ करके वंदन। पूज्य गुरुजी जब ब्रह्मलीन हुए उससे पहले जब गुरुजी से चर्चा होती थी तो उनकी कुछ योजनाएं थी, कुछ इच्छाएं थी कि ये काम और करने हैं। तब उनका एक पिछले काफी अरसे से उनका मानस था कि जितने भी धाम होते हैं वहां पे हम जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो उनके मुख्य प्रवेश द्वार होता है, स्वागत द्वार होता है, सब मेहमानों के लिए बड़ी प्रौढ़ बनी हुई होती है और सात्री गुरु महाराज का सबसे प्रिय धाम है। मैं बुजुर्गों से सुनता हूँ, जब बुजुर्ग अंतिम समय पे होते हैं तब वो अपनी आखिरी इच्छा जताते हैं कि भाई मेरा प्राण उस जगह निकलना चाहिए, आखिर में मेरे को घर ले चलना। जब अस्पताल में कोई बहुत सीरियस हो जाता है तब डॉक्टर कहते हैं कि अब समय कम बचा है, तब बुजुर्ग जो होते हैं जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, समझते हैं कि अब जीवन छोड़ना है, तब वो इच्छा रखते हैं कि अब मैं प्राण अपने घर में ही जाके छोड़ूं तो ठीक रहेगा। और गुरु महाराज जाम्बू जी ने भी जब यहां से प्रस्थान करने का विचार किया तब उन्होंने भी सोचा कि मैं भी मेरे घर में जाके ही जीवन को पूर्ण करूं तो अच्छा रहेगा। और गुरु महाराज जाम्बू जी समरातल से चल के यहाँ पे आए और यहाँ आकर के उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को विराम देके यहाँ नित्य लीला में लीन हो गए। इसका मतलब ये गुरु महाराज का घर है और गुरु महाराज के सबसे प्रिय स्थान है। तो यहाँ पे एक द्वार होना चाहिए,
हमने विमर्श किया, हमने कहा जरूर बनाएंगे, लेकिन गुरु जी के रहते हुए तो वो नहीं बन पाया। लेकिन आज उनकी चेतना तो हमारे बीच में है ही, चाहे शारीरिक रूप से वो उपस्थित ना हो। हमने जब भव्य द्वार की बात की तो हमारे बड़े सरल मना भामा साहेब श्री किशन लाल जी कड़वा साहब, हमारे अब तो पड़ोसी बन गए हैं, उनके सामने जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि द्वार बनाने के लिए जितना भी खर्च आएगा, जितना भी व्यय होगा, वो सारा मैं वहन करूंगा। और उनके द्वारा ये आपने देखा है कि भव्य द्वार बन करके तैयार हुआ है, इसमें लगभग 27 लाख रुपए का खर्चा अब तक लग चुका है। और 19 तारीख को वो इसका भव्य उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, समाज के सभी संतों के कर कमलों से, समाज के सभी लोगों से। तो जितने भी महापुरुष आए हैं उनको भी मैं व्यासपीठ से निमंत्रण दे रहा हूँ सेठ जी की तरफ से, कि आप सभी संतों की पावन उपस्थिति उस कार्यक्रम को और महिमा बढ़ाएगी और उसका गौरव बढ़ाएगी। तो सभी संतों की उपस्थिति रहेगी, 19 तारीख को उसका लोकार्पण करेंगे। तब तक उसका थोड़ा कोई छोटा माइनर काम शेष है, वो तब तक पूरा हो जाएगा। दूसरी गुरुजी की इच्छा थी कि यहाँ मीठे पानी का टैंक होना चाहिए, तो हमने निवेदन किया। पूज्य गुरुजी की एक बहुत प्रिया भक्त हैं बड़ोपल से, हमारी माता शारदा देवी, उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे भी कह रखा था, और उन्होंने तुरंत जो है 2.5 लाख रुपए स्वीकृत किए अपने पास में से दिए, और उधर 1.5 लाख लीटर का बहुत ही भव्य मीठे पानी का टैंक हमने बना करके तैयार कर दिया। उन माताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधु हम अब मीठा पानी पी रहे हैं, ये उसी बारिश का जल संचित हो रहा है। अब इस शेड का पानी, इसको भी हम संचित करने के लिए आगे शेड बनाएंगे, और इस चार दीवारी के लिए भी पिछले काफी समय से विचार चल रहा था, जो लगभग कार्य अब पूर्ण है, थोड़ा बहुत बाकी है। मैं समझता हूँ अगले आसोजी मेले तक इस चार दीवारी को भी हम पूरा कंप्लीट करके इसको तैयार कर देंगे, फिर आगे और जो भी योजनाएं होगी उनको फिर हम तैयार करेंगे। और पूज्य गुरुजी का जो समाधि स्थल है, इसके ऊपर भी उनकी इच्छा थी, अपने गुरुजी भजन दास जी जो हमारे दादा गुरु होते हैं, उनके ऊपर जैसलमेर के पत्थर की छतरी बनाने। उस समय जैसलमेर गए भी थे लेकिन शायद योग नहीं बन पाया, तो हमने विचार किया कि जब उनकी इच्छा थी तो उनका जो समाधि स्थल है वो जैसलमेर के पत्थर से ही बन के तैयार होना चाहिए। तो जैसलमेर के पत्थर से अगली पुण्यतिथि तक उनकी जो समाधि के ऊपर का जो स्मारक का उनकी छतरी का कार्यक्रम है, वो भी अगली आकातीज को जब उनकी पुण्यतिथि होगी तो हम उसी छतरी पे बैठ के उनका जागरण लगाएंगे, वहीं बैठ के उनका स्मरण करेंगे। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा पूज्य महंत जी महाराज ने कहा कि भगवान जिनका दिव्य शरीर है उनको कहीं आने की जाने की हमारी तरह कोई बंधन नहीं होता है उनका। हमारे शरीर का बंधन है कि हम यहां पे बैठे हैं तो अपने घर पे नहीं रह सकते, एक जगह रहेंगे। आप यहां आ गए हो, मानसिक रूप से भले ही आप बार बार घर आपके अंदर आ रहा हो लेकिन आप घर में नहीं जा सकते। लेकिन भगवान जितने चाहे उतने रूप बना सकते हैं, जहां चाहे वहां पे प्रकट हो सकते हैं। एक संत ने कहा कि जहां भक्त की हां भगवान वहां, जहां भक्त हां कर देता है वहां पे भगवान प्रकट हो जाता है। और सतगुरुदेव जाम्बो जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि रूप अरूप रमू पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रहायो, अनंत जुगा में अमर भणीजू ना मेरे पीता न मायो, ना मेरे माया न छाया रूप न रेखा बाहर भीतर अगम अलेखा, लेखो एक निरंजन लेसी जहां चीन होता पायो, 68 तीरथ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला। यानी गुरुदेव कहते हैं जहां चीन होता पायो, ये पंक्ति ये उक्ति बड़ी गुढ़ार भरी हुई है, जांची
चिन्हों शब्द अपनी वाणी में कई जगह पे आता है। शुरुआत में गुरु महाराज ने कहा गुरु चिन्ह हो, गुरु चिन्ह पुरो पहचान, हिंदी का शब्द है पहचान करना। जब हम खोजते हैं, चिन्हते हैं, पहचान करते हैं, तो पहचान करने वाले को दिखाई देता है कि सब भगवान तो सब जगह है। नत्था सिंह निर्दोष ने एक भजन में लिखा कि किसी सूज वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान, और किसने पहचाना कि निगाह मीरा की निराली, पीकर जहर की प्याली, उसने गिरधर को बसाया हर सांस में, राणो भेजे काला नाग, बोले धन्य मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, धन्यवादी हूं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान। जब कह दिया कि ये चरणामृत है, कन्हैया के चरणों का अमृत है, लेकिन था जहर, मीरा के मन में एक प्रतिशत भी ऐसा भाव नहीं आया कि ये कुछ और भी हो सकता है, चरणामृत है तो उस भाव से पिया और वो चरणामृत बन गया। सांप में मीरा को कृष्ण दिखाई दिए तो मीरा ने उस काले कृष्ण को अपने गले में धारण कर लिया, सांप ने नहीं काटा। अपनी दृष्टि में, अपनी आंखों में पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो आंखें तब पहचान पाएगी जब भीतर वो विवेक होगा समझने का। भीतर विवेक नहीं है तो आंखें नहीं पहचान पाएगी। आंखें वही चीजें तो देखती है जो भीतर आपने पढ़ा हुआ, भीतर आपने जाना हुआ, भीतर आपके जो मेमोरी सेव है वही चीजें आंखें पहचानती। या मेले में इतने लोग होते हैं लेकिन आप किन को पहचानते हो, जो आपसे पहले मिले हुए हैं, या जिनका चेहरा आपके दिमाग में पहले से फीड किया हुआ। पूरे मेले को तो आप नहीं पहचान सकते ना, नहीं जाने कितने चेहरे आपकी आंखों से आगे से जाते हैं, लेकिन उन लाखों चेहरों में जैसे ही आपका मामे का भाई मिलता है आप तुरंत उसके जाके मिल लेते हैं, क्योंकि वो पहले से आपके हृदय में है, हृदयंगम उसको कर रखा। जब हृदय में होगा तो आंखें उसको पहचाने, और भगवान भी जब हृदय में है तो आंखें पहचान लेती। यदि हृदय में नहीं है तो फिर आंखों में सूझ नहीं आएगी, आंखों में दृष्टि नहीं आएगी, आंखों में वो दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो नहीं आएगा। दृष्टि सबके पास है, लेकिन दृष्टिकोण तो सबके पास, सबके अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति के प्रति सबके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, सबके अपने यूनिक होते हैं। दिखने में तो सारे दृश्य एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसी में से कोई कुछ अर्थ लगाता है, कोई कुछ अर्थ लगाता है, कोई कुछ अर्थ लगाता है। वो अपने समझ के ऊपर निर्भर करता है, अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और अपना यदि विवेक है, अपनी यदि समझ है, अपनी यदि आंखों में सूझ है, तो गुरुदेव कहते हैं जहां चीन होता सोई। तो महाराज कहां पे खोजे, बोले रूप। रूप कहते हैं जो चीजें दिख रही है, दिखने वाली सारी चीजें हैं वो रूपवान है। अपनी आंखें जिनको डिटेक्ट कर पा रही है, पहचान कर पा रही है, वो सारी रूपवान है। उन रूपवान वस्तुओं में और अरूप, अरूप कहते हैं जो केवल दिखती नहीं है, आप कल्पना कर सकते हो लेकिन उनकी मौजूदगी होती है, उनको एहसास किया जा सकता है। हवा है, हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस होता है। हवा महसूस करते हैं ना हम, कि हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है। अब आंखों से देखना चाहो तो शायद नहीं दिखे लेकिन अनुभव होता है। अरूपवान जो दिखती नहीं है लेकिन मौजूद होती है। इस कथा का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और ये लाइव टेलीकास्ट हम आंखों से नहीं देख सकते। अब कोई आदमी बाहर जाकर के कहेगा कि कथा लाइव कहां, दिख तो नहीं रही, लेकिन जिसकी जेब में मोबाइल है वो निकाल के कहेगा ये चल रही है ना, देखो। अरे है आप कहां से रही, दिख नहीं रही, कथा यहां चल रही है। व्यक्ति जो है हरियाणा में बैठा सुन रहा है, एमपी में बैठा सुन रहा है, भारत के किसी कोने में, विश्व के किसी कोने में,
बैठा हुआ कथा सुन रहा है, लेकिन कैसे देखेगा? मोबाइल के माध्यम से देखेगा, और मोबाइल में भी कुछ चीजों की जरूरत होती है। उसके अंदर जो है नेटवर्क होना चाहिए, उसके अंदर जो है इंटरनेट होना चाहिए, उसके अंदर जिस YouTube से चल रही है वो YouTube होना चाहिए, तब जो है सारी चीजें, जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें मिलते ही दिख जाती है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए भी कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ जरूरतें होती है। उन जरूरतों को, उन क्राइटेरिया को जब हम फुलफिल कर देते हैं तब भगवान का एहसास हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं अरूप चीजों में भी भगवान मौजूद है, उनकी शक्तियां मौजूद है। चुंबक होती है ना, चुंबक, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनको जब हम समान अवस्था में जब सामने भिड़ाते हैं तब वो जो है दूर जाते हैं, और असमान दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने करते हैं तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। चुंबक इतनी दूर होती है लेकिन फिर भी उनको कोई खींच रहा होता है। अब आप कहोगे कि बीच में तो कोई रस्सी नहीं है, फिर कौन खींच रहा है? उसके अंदर जो चुंबकीय शक्ति है वो चुंबकीय शक्ति काम करती है। ऐसे ही भगवान दिखते भले ही ना हो लेकिन भगवान की शक्ति सब जगह मौजूद है, उसका एहसास किया जा सकता है, उसको जो है देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको अनुभूत किया जा सकता है। और घट 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 रहा है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर किसी एक स्थान पे ही है, भगवान तो सब घट रहे हैं, घट घट अनेक घटों में, अनेक स्थानों पे भगवान है। ऐसा नहीं कि केवल लाला सर सातरी में कंकड़ी के नीचे ही भगवान है, भगवान तो सब जगह, लेकिन फिर भी इस स्थान की महिमा क्यों है? एक जगह महात्मा कबीर दास से लिखते हैं कि सब घट में रो साइया, खाली घटना को बलिहारी उस घट की जहां घट प्रगट हो। भगवान सब घट में है, सब स्थानों पे है, लेकिन उस स्थान को बलिहारी जाती है जहां पे वो कभी प्रगट हुआ है, जहां पे किसी ने एहसास किया। ये जो मंदिर है, ये जो तीर्थ है, ये जो धाम है, इनकी आवश्यकता क्यों है? जैसे हवा सब जगह चल रही है, बाहर भी हवा चल रही है, लेकिन इस शेड के नीचे बैठे हैं, छांव में जो हवा लग रही है वो हवा में अच्छी लग रही है, हालांकि हवा बाहर भी है और वो ही हवा अंदर आ रही है, लेकिन यहाँ इस छांव से जो है यहाँ बैठ के हवा खाने का आनंद। हवा सब जगह मौजूद है लेकिन आपने यदि टायर में हवा भरनी है, गुब्बारे में हवा भरनी है, तो इस पार वाली हवा को हम सीधे नहीं भर सकते, उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। हम पंचर वाली दुकान में जाते हैं तुरंत और वहां जाकर के हवा भरा लेते हैं, हमारी फूंक में भी हवा लेकिन टायर में तो नहीं भर सकते ना उससे। भगवान सब जगह मौजूद है लेकिन हमें उनके दर्शन करने हैं, उनसे हमें कार्य कौन सा साधना है उसके अनुरूप स्थान की आवश्यकता भी पड़ती है कि हम उनके उस प्रिय स्थान पे जाएं, उनके पावन स्थान पे जाएं और वहां जाकर के उसका एहसास करें। और गुरुदेव कहते हैं कि ये स्थान की बात कही, फिर कहा कि अनंत जुगा में अमर बणी जू ना मेरे पिता ना भाई, मैं अनंत युगों में मौजूद रहता हूं। काल से परे हैं भगवान, दुनिया की जितनी शक्तियां हैं उन सबके ऊपर काल है, काल से ऊपर कोई नहीं, संसार की सारी शक्तियों से काल सबसे ऊपर है। हम सीधी भाषा में कहते हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबे लूटी गोपिका वो अर्जुन वो बाण। संसार की सब शक्तियों में काल सबसे ऊपर है, लेकिन काल के ऊपर भी जिसका नियंत्रण है, जो काल को भी बदल देता है, जो काल को भी काबू में कर लेता है, वो परमात्मा है। भगवान के ऊपर काल का असर नहीं है, काल का असर होता तो समय के साथ भगवान भी बदल जाता, लेकिन भगवान नहीं बदलता, कालातीत है परमात्मा अनंत युगों से। काल की गणनाएं जब से प्रारंभ हुई उससे पहले ही भगवान कहते हैं मैं था,
जब उदरण कानावत और विदे जोदावत ने पूछा कि गुरुदेव आपकी आयु तो बड़ी छोटी सी लग रही है, क्योंकि आपके अभी तक दाढ़ी मूंछ भी दिखाई नहीं दे रही और गैया चरा रहे, लेकिन आपकी वाणी में बड़ी गंभीरता है, आप कब के हो? कई लोग होते हैं ना, बड़ी पुरानी पुरानी बात करते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके पास बैठोगे तो वो बताएंगे कि जब भारत पाकिस्तान का झगड़ा हुआ तब मैं इतने साल का था, मेरी आंखों के सामने ही हुआ, इतने साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ मैं जी बताते हैं कि आज से हम 30 साल पहले जब यहाँ जागरण लगाने के लिए आते थे तो चीनी आटा भी वहां से लेके आते थे, उस समय ये साक्षी थे तब आराम से वो सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आज आके कोई देखे तो वो सोचेगा कि ऐसा भी कभी हुआ हो, लेकिन जिसने देखा है उसके लिए तो सामान्य सी बात है। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी उम्र तो मैं क्या बताऊं, आप अनुमान लगा लो। बड़े आदमी ने पूछे कि थारी उम्र कितनी है, जिन्हें कई लोग उम्र बतावे कौन बेगे, वो 44 काल हुए नहीं जद इतना साल हुआ, और भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई भी टाइम हुई था साल को, मतलब वो अपने तरीके से उम्र बताता, उस समय काल पड़ा था उस टाइम मेरी उम्र 7 साल थी। तो गुरु महाराज से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तब गुरु महाराज बोले जब पौर्णिमा होता पानी न होता न होता धर गिरना, भगवान कहते जब ये पवन भी नहीं था पानी भी नहीं था, कितनी सहजता से बता रहे, उस समय भी मैं था, तद होता एक निरंजन शंभु के होता धंधुकारू, उस समय भी भगवान कहते मैं था, तो महाराज ये कुछ नहीं था तो फिर ये बन कैसे गया, बोले ये थे लेकिन धंधुकार के रूप में थे, परमाणु के रूप में थे, जिस एटम की जिस परमाणु की बात साइंस करता है उस एटम और परमाणु की बात गुरु महाराज जांबो जी ने धंधुकार के रूप में कही, धंधुकार शब्दवाणी में अलग अलग जगह पे धंधुकार का वर्णन आता, जब भी सृष्टि के उत्पत्ति की बात आती है आदि की बात आती है कि पहले क्या था, तो भगवान एक शब्द प्रयोग करते हैं धंधुकार, उस समय धंधुकार, तो उस समय धंधुकार था, धंधुकार आप यूं समझो कि बीज होता है, बीज के अंदर बीज को आप खाओगे तो आम की गुठली खाओगे तो उसमें रस थोड़ा ही आएगा, अब आप कहोगे कि गुठली तो आम की है फिर रस उसमें होना चाहिए, गुठली के बगैर आम नहीं हो सकता, लेकिन उस गुठली से जो है आम का टेस्ट आप नहीं ले सकते, उस गुठली को जैसे ही आपने जमीन पे गाड़ा, जमीन पे गाड़ने से आम नहीं हो जाता, फिर बारिश हुई, केवल बारिश होने से भी नहीं होता, भूमि भी उपजाऊ होनी चाहिए, सारी चीजें जैसे ही अनुकूल मिली, पेड़ बना, पेड़ बनने के बाद में कई सालों बाद उस पे आम लगने शुरू हुए, आम लगे फिर जो है आम का टेस्ट आपको आएगा, लेकिन उसकी यात्रा कहां से शुरू हुई, उस गुठली से शुरू हुई, तो जगत की जो यात्रा है वो परमाणु से शुरू हुई है, ऐसा वर्तमान में साइंस की जितनी स्टडी है वो बताता है, हो सकता है आने वाले समय में इसमें और परिष्कृत हो जाए, कुछ और नया निकल के आ जाए, क्योंकि विज्ञान जो है वो प्रगतिशील है, उसमें कभी भी वो ये नहीं कहते कि अंतिम सत्य है, वो कहते हैं कि अब तक ये सत्य है, हो सकता है ये सत्य आगे जाके और बदल जाए, और बदलता रहता है सत्य, मनुष्य अपने विवेक से अपने विचार से जिन चीजों को समझ पाता है, जिनको सेंस कर पाता है उनको बता देता है, लेकिन वो कोई सर्वकालिक सत्य है ऐसा नहीं, लेकिन गुरु महाराज जो कहते हैं वो सर्वकालिक सत्य है, सदा सत रहने वाले, गीता आज से 5,500 साल पहले कही गई, लेकिन मजाल है कि आज के युग में भी कोई ये कह दे कि ये बात झूठी, आज भी वो बातें उतनी समसामयिक, शब्दवाणी 550 साल पहले कही गई, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे आज के लिए कही जा रही, हम जो है 50 साल पहले मकान बनाते हैं नया आ जाता है, उसमें गाड़ी लेते हैं 5 साल पहले, 10 साल में जो है वो पुरानी हो जाती, काम नहीं आती, कुर्ता बनाते हैं वो पुराना हो जाता है, शरीर जो है आज जन्म लिया 100 साल बाद बूढ़ा होकर चला जाता, लेकिन भगवान की कही हुई वाणी अकाट्य होती, उन्होंने जो बात कह दी वो बातें युगों युगों के लिए स्थापित होती,
संसार की सारी बातें परिवर्तनशील है लेकिन भगवान नहीं बदलता। भगवान कहते हैं उस समय धंधुकार था, इस धंधुकार परमाणु का रूप है, परमाणु एटम को ही धंधुकार कहते हैं। के होता धंधुकारों, अरे बात कदो की पूछे लो, तू कब की बात पूछेगा तब की बता दूंगा। सारी बातें भगवान कहते हैं मेरे सामने बीती, मैंने सबका साक्षी रहा। संसार में जो भी उठापटक होती है, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उन सबके साक्षी भगवान है, उन सबका साक्ष्य भगवान प्रस्तुत करते हैं। अनंत जुगा में अमर बनी जी, भगवान कहते हैं अमर हूं मैं, ऐसा जाना जाता है, ऐसा बना जाता है, ऐसा तू जो है मां और ना मेरे पिता न माए। मैं कोई माता पिता के संसर्ग से जन्म लेने वाला शरीर नहीं कि मैं समय के साथ बूढ़ा हो जाऊं। माता पिता के संसर्ग से जन्म लेने वाला शरीर उस धर्म से बंधा हुआ, उस नियम से बंधा हुआ। पहले पूज्य महंत जी ने नियम की बात कही कि संसार की सारी चीजें अपने अपने नियमों से बंधी हुई है, कोई भी जो उस नियम से परे नहीं। सबके लिए नियम लागू होते हैं, सूर्य के लिए नियम लागू है। सूर्य यदि अपने नियम से यदि एक डिग्री भी इधर उधर झुक जाता है तो पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ हो जाएगा, वो अपने स्थान पे रहता है। धरती जो है ये थोड़ी सी झुकती है अपने अक्षांश पे, हमारे लिए कभी सर्दी हो जाती कभी गर्मी हो जाती, ये भी थोड़ी सी घूमती है अपने नियम के अनुसार घूमती है। इससे थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो सारा जीवन तंत्र जो है प्रभावित हो जाएगा। आज विज्ञान जो है वैज्ञानिक इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल विकसित किए जा रहे हैं, इनसे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अनेक प्रकार की जहरीली गैसें ब्रह्मांड से आने वाली जो जहरीली चीजें वो धरती तक पहुंच रही है। भगवान ने जब धरती को बनाया तो इसके चारों ओर जो एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई है ताकि इसके अंदर ब्रह्मांड से आने वाली कोई भी जहरीली चीजें नहीं आए, लेकिन मनुष्य ने उसमें छेद कर दी। अब अपने ऊपर ये शेड लगा हुआ है, बारिश आएगी तो बारिश रुकेगा, लेकिन इसमें आप छेद कर दोगे तो बारिश कैसे रुकेगी, वो तो बूंदे अंदर आएगी। भगवान ने धरती के चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई, एक जो है परत बनाई कि इस परत से इस धरती की रक्षा होती रहेगी, लेकिन मनुष्य ठहरा नादान पान। प्रकृति की गोद में, प्रकृति हमारी मां है, इस मां की गोद में खेलने का हम सबका अधिकार है, और मां भी चाहती है कि मेरे बेटे मेरी गोद में खेले। बेटा मां की गोद में खेलता है, मल मूत्र विसर्जित कर देता है, मां को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब वो मां के मुंह पे थूकने लग जाता है या फिर उसके बाल नोचने लग जाता है तब मां को बुरा लगता है, फिर मां कई बार थप्पड़ भी रख देती है। मल मूत्र त्याग देता है तो कोई बात नहीं, फिर भी सहन कर लेती है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, इस पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब वो मां को कष्ट देता है, मां के बाल नोचता है, मां के मुंह पे थूकने का प्रयास करता है, तब मां उसे दंड देती है। प्रकृति की गोद में हम सब लोग पल बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बाल नोचना मतलब ये जब हमारे विराट परमात्मा की संकल्पना की गई वेदों में, तब उसमें जो धरती माता की रोमावली है, विराट पुरुष की रोमावली है, वो ये पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे रोमावली हमारे शरीर पे बाल होते हैं, हेयर स्टाइल के लिए लोग न जाने कितना कितना खर्च करते हैं, कई कटवाने में, कई उनको भूरा बनाने में, कई काला बनाने में, कई जो है ऊंट की तरह कटाते हैं, कई कुत्तों की तरह कटाते हैं, कई जो है किसी की तरह, कई किसी की, हजारों का बजट होता है। घरों में कई माताएं शिकायत कर दी, मारा छोरन हम जाओ इतना पैसा नहीं दे रहा, इतना जो है तरह तरह की कटिंग करावे, और कई तो जो है पहले तो केवल बालों को काला कराने के लिए लोग मेहनत करते थे कि सफेद हो गए तो उनको काला रखें तो हम जवान दिखाई देंगे, लेकिन अब जिनके काले हैं वो भी संतुष्ट नहीं, वो भी कोई लाल करवा रहा है, कोई भूरे करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है,
जिसके सीधे हैं वो उनको कर्ल करवा रहा है और जिनके कर्ल है वो उनको स्ट्रेट करवा रहा है। अपनी स्थिति से कोई भी संतुष्ट नहीं है तो अपने बालों को संवारने पे सजाने पे हम कितना खर्च करते हैं। विराट पुरुष के बाल जो है ये पेड़ पौधे हैं, ये वनस्पतियां विराट पुरुष की रोमावली है और जब भी इनको उखाड़ते हैं, इनको काटते हैं, इनको समाप्त करते हैं, इनको नष्ट करते हैं, तब जो है विराट पुरुष परमात्मा प्रकृति हमें दंड प्रदान करती है और वो दंड अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में होता है। अनेक प्रकार के मौसम का जो चक्र है वो पूरा प्रभावित हो जाता है। तो ये मौसम का चक्र प्रभावित ना हो इसके लिए हमें उन नियमों से बंधे हुए रहना। ये नियमों में तभी तक बंधे रहेंगे जब तक हम नियमों में बंधे रहेंगे। हम यदि मर्यादा छोड़ेंगे और हम यदि अमर्यादित आचरण करेंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति भी ये धरती भी हमें जो है दंड देना प्रारंभ कर दे। तो इसके ऊपर जो है नियम जरूरी है, नियम सबके लिए लागू होता है। पूरा ब्रह्मांड नियमों में आबद्ध है, केवल मनुष्य जो है ये नियम तोड़ता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है कि इसको सिखाओ, इस मूर्ख को समझाओ, ये पूरी जो है पारिस्थितिकी के तंत्र को प्रभावित कर रहा है। और पारिस्थितिकी के तंत्र में इकोसिस्टम से यदि एक व्यक्ति भी प्रभावित होता है, ये मेरी आवाज जो है इस माइक के माध्यम से होती हुई उस स्पीकर तक जा रही है, इसमें कई चीजें कनेक्टेड है। ये माइक है, फिर माइक से कोड जा रही है, मिक्सर में जा रही है, मिक्सर से कोड निकल करके जो है मशीन में जा रही है, मशीन से कोड निकल करके जो है स्पीकर तक जा रही है। इनमें से यदि एक भी कोड बीच में से निकाल दोगे तो सारा तंत्र खत्म हो गया। भगवान ने जो इकोसिस्टम बनाया, जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाया, इसके अंदर में से यदि एक चीज को निकाल दोगे तो फिर पीछे कुछ बचेगा नहीं। थोड़े दिनों पहले दुबई में पर्यावरण का बहुत बड़ा सम्मेलन था, हमारे समाज के काफी लोग वहां पे अपने अपने विचार रखने के लिए गए। मुझे भी मौका मिला अपनी बात कहने का। तो मेरे पिछले काफी समय से मानस में एक विचार चल रहा था कि अपने बुजुर्ग लोग जिन्होंने या तो खेजड़ी को बचाया या फिर हिरण को बचाया, इन दोनों के लिए ही हमने जो है प्राण तक न्योछावर किया। कौन नहीं जानता कि 363 लोग खेजड़ी गांव में केवल खेजड़ी के लिए, पेड़ को बचाने के लिए अपना सिर रखते, हिरण को बचाने के लिए कभी निहाल सिंह शहीद होते हैं, निहाल चंद शहीद होते हैं, तो कभी शैतान सिंह शहीद होते हैं। ये हिरण और खेजड़ी इन दोनों के लिए ही इतना हमारा स्नेह है, हमारे समाज का क्यों है? काफी चिंतन किया, काफी रिसर्च किया, काफी पारिस्थितिकी के सिस्टम को पढ़ने का प्रयास किया कि इन दोनों का हमारे समाज के साथ में क्या संबंध है। तब समझ में आया कि आज से 500 वर्ष पहले की जो मारुस्थलीय पारिस्थितिकी है उसको देखते हैं, आज तो सारी चीजें साइंस ने बदल दी। आज हमने यहां लाकर खजूर के इतने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। ये पार्क जो है हमने पिछली अमावस्या को खोद करके निकाला था, अगली अमावस्या को ये सारी लहराती हुई दोब दोबारा हरी भरी होगी। यहाँ पे हमने आम लगा रखे हैं, अमरूद लगा रखे हैं, आज से 500 साल पहले इसे कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जहां जिस क्षेत्र में आम होता था वहां आम हो रहा था, जहां केसर उगती थी वहां केसर होती थी, और हमारे इस मरुस्थल में केवल खेजड़ियां ही होती थी। खेजड़ियों को छोड़ करके यदि खेजड़ी को निकाल लेंगे तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। घरों में पेड़ के रूप में केवल खेजड़ी थी, या फिर ये कुमठा है, ये भी जो है अकाल को सहन नहीं कर पाता, इसकी भी जो जड़ें होती है वो काफी ऊपर होती है। खेजड़ी ऐसा पेड़ है जो धरती का सीना फाड़ करके नीचे तक अपनी जड़ें ले जाती है और पाताल से पानी ले आती है। कितनी आंधी आए, तूफान आए, लू चले, ये खड़ी रहती है, सीधी खड़ी रहती है। अपने मरुस्थल का मान है खेजड़ी। तब उस समय हमारे पुरखों ने कहा कि इस पेड़ को बचाना होगा और हमारे
सुख दुख की साथी है ये खेजड़ी। खेजड़ी के ऊपर बुजुर्ग लोगों से मैंने सुना, खेजड़ी की जब सांगरी ज्यादा लगती है तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आने वाला जो टाइम है ना उसमें बारिश कम होगी, ये खेजड़ी संकेत करती है पहले। ऐसा क्यों? कि खेजड़ी अपने ऊपर बंपर पैदावार करती है, बंपर फल उगाती है, बंपर फलियां लगाती है, सांगरी लगाती है, ताकि लोग सांगरी को इकट्ठा कर लें, आगे अनाज कम भी हो तो भी उनका गुजारा हो सके, इसलिए सांगरी ज्यादा लगती है। और खेजड़ी के ऊपर सांगरी की बजाय गिल्डू ज्यादा लगते हैं तब बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अब कड़े काकड़िया मतीरिया हल्ला हुई, यानी जमानो ज्यादा हो, क्योंकि खेजड़ी ने सांगरी कम दी। इसका मतलब है कि खेजड़ी ने सोचा कि अब की बार तो प्रकृति आपको बहुत देने वाली, इसलिए मेरी सांगरियों की आपको आवश्यकता नहीं। तो ये सदैव साथ निभाती इस मरुस्थल में रहने वाले व्यक्ति, लेकिन खेजड़ी जो है बचेगी, इसको बचाने का काम कौन करता है? खेजड़ी जंगल में हमने थोड़ी भी हुई है, आप जाते हो आपके खेत के सीहों पे खेजड़ी उगी हुई है, आपके खेत में जहां पानी है वहां पे खेजड़ी उगी हुई है, वहां आपने थोड़ी उगी, अपने आप कैसे उगी खेजड़ी? तो यहां लगी हुई, उसका बीज अगले खेत में कैसे पहुंच जाता, कौन ले जाता? प्रकृति ने जितने पेड़ बनाए हैं इन पेड़ों के साथ में एक स्प्रेडर जीव बनाया, उस पेड़ को बचाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई न कोई जीव उसकी सहायता करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर की छत पे दरार होती है, उस दरार में पीपल उगाता है, उगा हुआ देखा होगा, काटते हो फिर उगाता है, काटते हो फिर उगाता है, ये पीपल अपने आप थोड़ी उगता है। पीपल के जो फल लगते हैं वो गांठें लगती है, उनको तोता खाता है, कौवा खाता है, कौवे ने जैसे ही उसमें चोंच लगाई फिर उस चोंच को ले जाकर के वो छत की दरार पे कहीं साफ करता है, उसका बीज जो है वो वहां पे छोड़ देता है। जैसे ही बीज छोड़ा और पेड़ उग गया, और पेड़ उगने के बाद में वहां पे पीपल खड़ा हो जाता है। खेजड़ी का जो स्प्रेडर जीव है उनमें सबसे पहला जो जीव है वो हिरण है। हिरण को खेजड़ी के खोके सबसे ज्यादा प्रिय भोजन होते हैं, सबके अपने अपने भोजन प्रिय होते हैं। आपने विष्णु ने कड्डी हीरो बढ़िया लगे भाई, कोई बर्गर बढ़िया लगता है किसी को, किसी को कचौरी बढ़िया लगती है, किसी को जो है नमकीन बढ़िया लगती है, लेकिन अपना जो फेवरेट भोजन है वो हलवा। हीरो जी में तो गड़सुंदी लागे, हीरो जी में तो ब्याह हुए, हीरो जी में तो खर्च हुए, हर काम में हीरो जरूरी, क्योंकि वो हमारा प्रिय है, हमारे डीएनए में उसके साथ में अटैचमेंट है। ऐसे ही हिरण जो है उसका सबसे प्रिय जो भोजन होता है वो खेजड़ी का खोका होता है। खेजड़ी की सांगरी जब पक कर के तैयार होती है, सूख जाती है, तो उसको देसी भाषा में खोखा कहते हैं। उस खोखे को हिरण खाता है, खाने के बाद में खोखा पच गया लेकिन बीज थोड़ी पचता है। बीज हिरण का जो मल होता है अपनी भाषा में उसको मींगणी बोलते हैं, उस मींगणी के अंदर बीज वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन अब उस बीज में फर्क क्या आ गया कि उसके चारों ओर खाद की एक परत जम गई है, एक प्रोटेक्शन जिसको साइंस लेबोरेटरी में तैयार करता है, ये कुदरत की लेबोरेटरी है हिरण का पेट, कि उसमें गया और बीज के चारों ओर उसने खाद लगा करके तैयार कर, और उसने मल त्याग कर दिया खेत में जाकर के कहीं दूर। जैसे ही बारिश आई उसके ऊपर दो बूंद गिरी और वो खेजड़ी उग जाती है दोनों। उस खेजड़ी को आगे बढ़ाने का काम हिरण करता है। यदि दोनों में से एक चीज गायब हो गई तो फिर दूसरी अपने आप गायब हो जाएगी। अब साइंस का युग है, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो हमारे धोरों में भी जो है फसलें लहरा रही है, ट्यूबवेल लगा लिए हमने, गहरा पानी निकाल रहे हैं, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय हमारे पुरखों ने इनके लिए बलिदान तक दिए, वो लोग कितने साइंटिफिक थे, कितनी पारिस्थिति के लिए, इस जंगल के लिए, इस जमीन के लिए, इस जल के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन लोगों ने कितनी स्टडियां की होगी, कितना अध्ययन किया होगा। वैसे कहने को हम लोग कह देते हैं कि वो अनपढ़ थे, स्कूली शिक्षा अवश्य उनके पास में कम थी, लेकिन
जो तकनीकी रूप से इस जीव विज्ञान को समझने का उनका कितना ऊंचा जो लेवल रहा होगा। तब उन्होंने कहा कि खेजड़ी को बचाना है तो केवल खेजड़ी मत बचाओ, हिरण को भी बचाओ। हिरण बचाओगे तब खेजड़ी बचेगी, लगी हुई है वो बचेगी और आगे लगेगी। तब इन दोनों को बचाने के लिए विष्णुओं ने आगे आकर के सहयोग किया और कहा कि इन दोनों को हम लोग बचाएंगे। यदि इस मरुस्थल में खेजड़ी उगानी है तो केवल खेजड़ी बचाने से नहीं, उसके साथ हिरण को भी बचाना पड़ेगा। ये हमारे पुरखों की सोच है, जहां तक मेरी समझ में आया, जहां तक मैंने विचार किया। बाकी तो देखो, हो सकता है इसके पीछे और भी कारण रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से यदि हम कहीं पे इस बात को कहें तो कितना गर्व होता है हमें अपने पुरखों पे, अपने बुजुर्गों पे, कि उन्होंने क्या गजब की सोच रखी होगी और उन्होंने इन दोनों को बचा करके आज तक जो है जिन नगरी विष्णु ही बसे रूखा तणो निवास, जिस नगर में विष्णु ही बसते हैं वहां हरे रूख रहते, वहां पेड़ पौधे रहते, वहां पे वन्य जीव आनंद के साथ में विचरण करते। तो हमारे बुजुर्गों ने इन पेड़ पौधों को बचाया और गुरु महाराज जांबो जी ने भी हमारे लिए नियम बना दिया। नियम बनेगा तो नियम से बंद करके व्यक्ति रहता है। भगवान ने कहा कि नेम तड़ाई नेम जड़ नेम के जिम्मे पर, नियम की तड़ाई हो, नियम का जल हो और नियम की पाड़ बंधी हुई हो तब सारी चीजें संचित रहती। ये एक प्रकार की इंजीनियरिंग है। अपन खेत में कोई डिग्गी बनाते हैं, नाड़ी बनाते हैं, उसके लिए पहले दिमाग में विचार करते हैं कि पानी कितना है, उसके हिसाब से जो सीमेंट कितनी लगानी पड़ेगी, सरिया उसमें कितना लगाना पड़ेगा, दीवार उसकी पाड़ कितनी मोटी होगी, ये सारी नियम के अनुकूल होगी तो उसमें पानी ठहरेगा, और नियम नहीं है तो कोई चीज ठहरेगी नहीं। निकल करके आप जैसे पानी डालोगे तरासा ही हो जाएगी। ये टेंट ये सेट बन के तैयार हुआ है तो इंजीनियर ने पहले विचार किया कि इसको खड़ा रखने के लिए नीचे वाले पिल्लर कितने होने चाहिए, कितनी दूरी से होने चाहिए, इनकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, इनका वजन कितना होना चाहिए। यदि बिना नियम के कोई चीज लगा देंगे तो धराशाही हो जाएगी कोई चीज। ऐसे ही नेम की तड़ाई हो, नियम का जल हो, नियम से ही जो है पहल रहता। पहल मतलब संकल्प, पहल मतलब व्रत। हमारा संकल्प तभी सिद्ध होगा जब हम नियमों में बंधे हुए रहेंगे। नियम जरूरी है, नियम से पूरी धरती चलती, नियम से पूरा ब्रह्मांड चलता। तो हम लोग अपने नियमों की पालना करें। गुरु महाराज जांबो जी ने 29 नियम दिए, उन 29 नियमों की हम लोग पालना करें। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब माता पिता के संसर्ग से कोई शरीर जन्म लेता है तो उसका नियम है कि वो बूढ़ा भी होगा, जवान भी होगा, उसमें दोष भी आएंगे, लेकिन अनंत जुगा में अमर भणी जो ना मेरे पिता न माई। भगवान कहते हैं मैं तो अनंत जुगों में अमर था और ना ही मेरे पिता है ना ही मेरे माता। अब आप कहोगे कि ये तो गुरु महाराज कह रहे हैं मेरे माता पिता है ही नहीं, तो फिर ये लॉर्ड जी और ये माता हंसा कौन? क्योंकि हम तो उनको गाते हैं कि माता हंसा दे बटियाणी पिता लॉर्ड जी पंवार, और गुरु महाराज हम वो जी कह रहे हैं कि ना मेरे पिता न माता। जब भगवान इस शब्द को सुना रहे हैं तब चेतना के अलग स्तर पे गुरु महाराज जांबो जी बात कर रहे हैं। उस समय गुरुदेव जो बात कह रहे हैं उस समय उनके मानस का जो स्तर है वो अलग स्टेज पे पहुंचा हुआ। आप लोग रात को नींद में सोते हैं तो एक अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। सपने में वो एक भजन आता है कि जुग सपने री बाजी, चेत सके तो चेत मानवी घंटी लारली बाजी। सपने में रंग राजा बन बैठो, घर घोड़ा घर पाजी, और जागृत भयो तुम कंगाल हो गए, देखा कि मैं तो उसी टूटी हुई खाट में पड़ा। सपने में बांझ पुत्र एक जाया मंगल गाया राजी, जाग उठी जब भई निपुती रोवण लागा माझी, साधु भाई जुग सपने री बाजी।
थोड़ी देर के लिए हमें एहसास होता है, आभास होता है कि हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। जब गुरुदेव ने ये बात कही है तब तक वो अपने उस पद पे पहुंच जाते हैं, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पे उन्होंने आकर के अवतार धारण किया। व्यवहारिक जगत से हम लोग देखते हैं तब वो हमें लोहट जी के पुत्र नजर आते हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से जब देखते हैं, जब जो है आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी चेतना को अलग ले जाकर के देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि वो तो जगत नियंता, जगत आधार है। उनको समझ बिना कोई सिद्धि न पाई, समझ के बगैर सिद्धि की प्राप्ति। तो गुरुदेव कहते हैं, जहां चीन होता सोई अनंत जुगा में अमर भणी जो ना मेरे पिता न मायो रूप न रेखा। जहां चीन होता सोई, भगवान कहते हैं जहां खोजोगे वहां पे मैं हूं। 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुखी बिरला लाए। 68 तीर्थ हमारे शरीर में है, हमारे घट के भीतर भी 68 तीर्थ है, लेकिन उनमें सब नहीं नहा सकते। कोई कोई गुरुमुखी, कोई कोई गुरुमुखी व्यक्ति, गुरुमुखी वो होता है जो गुरु के मुख से चलता है, गुरु के मुख ने जो आदेश दिया है वैसा काम करता है वो गुरुमुखी। और मनमुखी वो होता है जो अपने मुख से चलता है, अपने मुंह में जो बात आई जो विचार है वैसा ही काम कर लिया, वो मनमुखी। गुरु के मुख से जो बात निकली उसके अनुसार जीवन जीने वाला गुरुमुखी। कोई कोई गुरुमुखी बिरला नायो, कोई कोई गुरुमुखी बिरला। बिरला कहते हैं बहुत रेयर, बहुत कम, लाखों में कोई एक आ, करोड़ों में कोई एक आ, कोटि मध्य कोई वीरा, कोटि मध्य कोई सूरा, करोड़ों में कोई एक आ। ऐसा होता है जो अपने उस भीतर के तीर्थों का स्नान करने, इस स्वतंत्र ब्रह्मांड की इकाई हमारा पिंड है, एक स्वतंत्र इकाई, और इस पिंड के भीतर वो सारी शक्तियां मौजूद है जो ब्रह्मांड में है। उनमें से कौन सी चेतन हो जाए, कौन सी जागृत हो जाए, किसको गुरु कृपा से, भगवत कृपा से कौन सी सिद्धि मिल जाए, और उन सिद्धियों से कौन सी शक्ति जागृत हो जाए, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हमारा सोचने का, हमारा जो दिमाग में विचार चल रहे हैं उनकी एक सीमा है, उससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते। लेकिन कुदरत इससे भी आगे, इससे भी ऊपर है। तो गुरुदेव कहते हैं कोई कोई गुरुमुख बिरला ना, कोई कोई गुरुमुखी बिरला व्यक्ति ना। पूज्य महन जी महाराज का निवेदन था, आदेश था, और उनके विचारों का सार था कि भगवान कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, उनको किसी प्रकार के नियम नहीं बांधते हैं, उनको किसी प्रकार के सांसारिक बंधन नहीं बांधते, क्योंकि इन सब से वो परमात्मा परे। और आज गुरुदेव की इस पावन भूमि पे हम लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, लाइव के माध्यम से भी हजारों लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। आप सभी को लाला सत्सात्री की पावन धरती से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी मेला आ रहा है, मेले पे आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जब अपने घरों से पधारें तो लाला सत्सात्री अवश्य आए, दो चार दिन मेले से पहले आना चाहिए ताकि कथा सुन पाए, आनंद ले पाए। भागते दौड़ते आए, भागते दौड़ते चले जाएं, उससे अच्छा दो दिन रह करके तपस्या करनी चाहिए। तपस्या कोई धूप में जलने का नाम नहीं है। आप यहां पे रह रहे हो तो यहां पे भी एक तपस्या कर लो। आपके घर में बहुत अच्छा गद्दा लगा हुआ, आपके घर में गर्म पानी अलग आता है, ठंडा पानी अलग आता है, रोटी थोड़ी सी कच्ची होती है तो बहुत दोबारा सेक करके दे, सब्जी में नमक मिर्ची कम ज्यादा होता है, आपके लिए दोबारा बनकर तैयार हो जाए। लेकिन जब हम तीर्थों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, तब करते हैं, हमें दरी पे भी सोना पड़ता है, हम आनंद से सोते हैं। हमारे मन में जो एक ईगो है, अभिमान है, उस अभिमान को छोड़ देते हैं,
तो ठीक है, यदि अभिमान है कि भाई मैं इतना बड़ा हूं और मैं ऐसे धरती पे थोड़ी सोऊंगा, मैं इतने छोटे गद्दे पे थोड़ी सोऊंगा, तो फिर जो है समझो कि आपका जो अभिमान है ना, इसको आप तोड़ रहे हो, इसको मारने का प्रयास कर रहे हो, ये बहुत बढ़ रहा है। तो सबके साथ में मिलकर सहनो वदतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे, जो वेदों ने कहा कि हम लोग सब एक साथ में मिलकर के सब काम करें। तो ये सारी मेलों में जैसी व्यवस्था होती, उन व्यवस्थाओं के साथ में मिलकर के आप सब लोग सहयोग करें। बहुत से लोगों का फोन आता है, महाराज हमारे लिए कमरे की व्यवस्था हो। मैंने कहा जी कमरे तो हमारे पास में 15 कमरे हैं, और यहाँ पे कथा सुनने वाले श्रोता जो है कि आरती करेंगे, सब लोग भाव और प्रेम से। तिलमाई तेल है जू चकमक में आ, तेरा साई तुझ में है, भाई जाग सके तो जा। उतार राम हृदय माई बाहर क्यों भटके, थारो राम घट माई बाहर बिना इरा पूरा।
गड़िया दानदाताओं की सूची स्वामी जी केशवानंद जी रखेंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बड़ा ही शुभ अवसर है कि अभी आपने पूज्य आचार्य जी के मुखारविंद से भगवान की महिमाओं का श्रवण किया, और अभी थोड़ी देर पहले पूज्य गुरुदेव जी बता रहे थे कि जब चैतन्यों का मेला लगता था उस समय सम्राथल दोहरा से गुरु जी कहते हैं कि हम भोजन पानी सभी एक साथ में यहाँ लेकर आते थे, और जागरण देने के बाद में सुबह हवन करने के बाद में हम वापिस सम्राथल दोहरा पधारते थे। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो किसी भूमि का उदय होना निश्चित होता है। तब गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई कि इस निर्माण स्थित लालासर भूमि का जब पुण्य उदय हुआ तो हमारे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु भजनदास जी यहाँ पर पधारे, और उस समय भी ये वीरान लालासर साजरे की भूमि थी। लेकिन दादा गुरु जी ने थोड़ा परिश्रम किया, समाज से जुड़ाव किया और यहाँ पर कुछ कमरों की व्यवस्था की, और उस समय कोई से ही लोग यहाँ पर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आते थे। लेकिन उनके प्रयास से उनके शिष्य पूज्यपाद ब्रह्मलीन गुरुदेव उन्होंने महंत बनने के बाद में समाज को एक बंधन के एक माला के अंदर जोड़ा और हर घर तक पहुंचे और समाज से निवेदन किया कि लालासर की जो भूमि है, जो गुरु महाराज की इतनी प्रिय भूमि है, वो वीरान पड़ी भूमि है, लेकिन उसको उदय करना हमारा सभी का कर्तव्य है। और पूज्य गुरुदेव हर जगह पहुंचे और समाज ने उनको बड़े ही आदर और भाव के साथ में उनको सहयोग किया, और समाज का इतना पूर्ण सहयोग मिला कि कुछ ही समय के अंदर ये निर्माण स्थली लालासर की जो भूमि है आप सभी देख रहे हो कि स्वर्ग जैसी बन गई है। और पूज्यपाद गुरुदेव का हमेशा से यही रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता ही रहे, और जो नित्य भंडारा है वो 12 महीने निरंतर भंडारा चलता रहता है, वो चाहे रात का समय हो चाहे वो दिन का समय हो। कोई भी यात्री कभी भी यहाँ पर पधारे तो उसको भोजन की व्यवस्था व सदैव हमेशा ये तैयार मिलती है, और उन यात्रियों के लिए आने वालों के लिए दूध दही और लस्सी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर गौशाला का संचालन भी साथ में किया जाता है कि जो यात्री यहाँ पर पधारे उनके लिए कहीं बाहर से दूध की व्यवस्था या ऐसी कहीं
नहीं करनी पड़ी, इसलिए उसकी व्यवस्था भी है। और पूज्यपाद गुरुदेव के बाद में हमारे बड़े गुरु भाई आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी की, इनका भी प्रयास यही है कि समाज के अंदर कथा जागरण, इतना व्यस्त समय रहता है इनका कि 30 दिनों के अंदर 30 के 30 कार्यक्रम बुक रहते हैं, लेकिन फिर भी समाज के लिए और इस लाला सर का सात्री के लिए इतना प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर काम जो निर्माण करे है वो समाज के लिए चलता ही नहीं। ये जो संस्था है इतनी मजबूत हो कि समाज को गर्व होना चाहिए कि वो निर्माण के लिए लाला सर की जो है वो इतनी हमारी संस्था मजबूत है। किसी भी समय कितने भी लोग इस यहाँ पर पधारे, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था निश्चित होनी चाहिए। इसलिए समाज का पूर्ण सहयोग रहा है और सदैव सहयोग रहा है, और आशा करते कि आगे भी इसी तरह से सहयोग रहता रहेगा। कुछ दानदाताओं ने इसी कथा के लिए उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग भेजा है, जिन्होंने हर वर्ष जो अपना पूर्ण सहयोग, जो आटा है, कोई चीनी है, कोई सूजी है और कुछ नगद के साथ में यहाँ पर भेजते हैं, उनका मैं नाम विमोचन कर रहा हूँ। जहाँ कहीं भी त्रुटि हो तो आप मुझे अवगत करवाएं। एक कटा चीनी कवल दीप जी स्नोब श्री नरसिंहराम जी बहादुर झलनिया की तरफ से, एक कटा चीनी सुशील स्नोब श्री राजेंद्र जी धारनिया चिंदड़ की, एक कटा चीनी कृष्ण स्नोब श्री राम स्वरूप जी जानी धांगड़, एक कटा चीनी सुभाष स्नोब श्री दौलतराम जी चिंदड़, दो कटा सूजी और एक कटा चीनी दुल्ला राम जी भादू धांगड़ की तरफ से, एक कटा चीनी श्रवण जी भादू धांगड़, एक कटा चीनी अमित जी राहड़ धांगड़ की तरफ से, एक कटा चीनी अजय जी राहड़ धांगड़ की तरफ से, एक कटा सूजी उगुरसेन जी मांझू धांगड़ की तरफ से, एक कटा सूजी सुधीर जी गोदारा धांगड़ की तरफ से, एक कटा चीनी जयदेव स्नोब श्री हेतराम जी बादू एमपी रोही हरियाणा से, एक कटा चीनी श्री श्याम वेराइटी स्टोर जलनिया धांगड़ वालों की तरफ से, एक कटा चीनी सुरेंद्र जी टाडा अन्नू किरियाना स्टोर धांगड़ वालों की तरफ से, एक कटा चीनी राम सिंह जी स्नोब श्री पृथ्वी राम जी मांझू ढाणी मांजरा, एक कटा चीनी नरेंद्र जी स्नोब श्री राजा राम जी बेनीवाल ढाणी मांजरा, एक कटा चीनी चौथा राम जी काकड़ ढाणी मांजरा, 20 किलो कूड़ दोलू राम जी बेनीवाल ढाणी मांजरा के तरफ से, 30 किलो गुड़ श्री गुरु जम्बेश्वर मिष्ठान भंडार राकेश जी डेलू बिरढाणा वालों की तरफ से, 5 क्विंटल आटा ढाणी मांजरा गुप्त धान, 5 कटा दाल 15,000 रुपए की गुप्त दान, 3 कटा सूजी गुप्त दान, 1 कटा चीनी गुप्त दान, 6 केजी घी गुप्त दान, 2 कटा चीनी सलेंद्र जी राजेंद्र जी गोदारा राज सिड्स एमपी रोही, 1 कटा चीनी राजीव जी हरियाणा पेस्टिसाइड भुना, 1 कटा चीनी विजय स्नोब श्री रूली राम जी भादू धांगड़ वालों की तरफ से, 1 कटा चीनी सुरेंद्र जी डेलू जलनिया, 1 कटा चीनी मांगे राम जी गोदारा जलनिया, 2 कटा सूजी 1 कटा चीनी कमल जी सारण जलनिया, 1 कटा कमल जी सारण जलनिया, 1 कटा सूजी आसाराम जी मांझू खजूरी, 1 कटा चीनी कमल जी भादू जलनिया, 1 कटा चीनी राम कुमार जी जानी जलनिया, 1 कटा चीनी बनवारी जी लोम रोड जलनिया, 1 कटा सूजी पृथ्वी जी बेनीवाल ढाणी मांजरा, 1 कटा चीनी उग्रसने स्नोब श्री राय साहब जी गोदारा खजूरी, 1 कटा चीनी कपिल जी गोदारा जलनिया, 1 कटा सूजी राजा राम जी डेलू खजूरी, 50 केजी कनक विष्णु जी डेलू बिरडाणा, 1.5 क्विंटल आटा और 50 केजी चीनी तुलसी राम जी कड़वासरा एमपी रोही, 1 कट्टा चीनी सुशील जी भादू जलनिया, 1 कट्टा चीनी हवा सिंह जी मांझू ढाणी मांजरा, 1 कट्टा चीनी सुशील स्नोब श्री नथू राम जी बेनीवाल जलन ढाणी मांजरा, 1 कट्टा चीनी कृष्ण स्नोब श्री ताराचंद जी मोगा, और 1 क्विंटल आटा भी इनका साथ में। इनके लिए बहुत बहुत तालियां और स्वागत। 2000 रुपये रोमित जी बिश्नोई अबूबसर, 5100 रुपये राजा राम जी स्नोब श्री श्यामलाल जी पंवार हरिपुरा मध्य प्रदेश, 4000 रुपये सीताराम जी सरपंच
खजूरी जाटी, 3100 रुपए सुनील सनोप श्री भादर राम जी गोदारा शदलपुर से, 5100 रुपए विनोद जी सिगड़ सुनोप श्री राम स्वरूप जी लंबरदार भिरडाणा, 1900 रुपए श्री गुरु जम्बेसर बीज भंडार जलनिया, 2000 रुपए विनोद जी डेलू नांडोड़ी, 1000 रुपए छबील दास जी गोदारा खजूरी, 500 रुपए सुखपाल जी एडीओ एमपी रोई, 1000 रुपए सुंदर सुनोप श्री कृष्ण जी सारण जलनिया, 1000 रुपए हंसराज जी गोदारा जलनिया, 1000 रुपए डॉक्टर प्रेम जी जानी जलनिया, 1000 रुपए सुखपाल सुनोप श्री कृष्ण जी गोदारा खजूरी, 700 रुपए गुप्त दान, 2000 रुपए पृथ्वी जी पटवारी डेलू बरडाणा, 2000 रुपए नेकीराम जी गोदारा जलनिया। ₹200 श्री माडू राम जी सियाग, ₹1000 श्री आत्माराम जी गोदारा सुनोप श्री रिसपाल जी, ₹3100 श्री विनोद कुमार जी धारणिया सुनोप श्री रामचंद्र जी, ₹2000 श्री भाल सिंह जी धारणिया सुनोप श्री काशीराम जी, ₹500 श्री हवा सिंह जी धारणिया सुनोप श्री काशीराम जी, ₹2100 श्री मनराम जी गोदारा सुनोप श्री ब्रजलाल जी, ₹500 श्री पाल सिंह जी धारणिया सुनोप श्री नरसिंह राम जी, ₹500 श्री राम सिंह मांझू सुनोप श्री हरभज जी, ₹500 श्री सुरेंद्र कुमार स्नोप श्री मनीराम जी सियाग, ₹500 श्री राम नारायण जी स्नोप श्री सिसपाल जी भांबू, ₹500 श्री सुखविंदर स्नोप श्री प्रेम कुमार जी भांबू, ₹500 श्री हरि सिंह स्नोप श्री हरभज जी मांझू, ₹300 राकेश स्नोप श्री जगत राम जी सारण, ₹500 जय सिंह स्नोप श्री राम प्रताप जी सहारण, ₹500 श्री हनुमान स्नोप श्री मनीराम जी सहारण, ₹100 श्री महावीर जी स्नोप श्री राम प्रताप जी सारण, ₹200 राधे कृष्ण स्नोप श्री जगदीश जी धारणिया, ₹500 श्रीमती मूर्ति धारणिया वाइपो स्नोप गणपत जी धारणिया, ₹100 श्री श्यामा स्नोप श्री जगदीश जी धारणिया, ₹500 श्री वकील जी स्नोप श्री पृथ्वी जी सिगड़, ₹1100 श्री जयनारायण स्नोप श्री काशीराम जी धारणिया, ₹500 महावीर स्नोप श्री हेतराम जी पूनिया मंगाली सुरतिया, ₹1100 आत्माराम जी स्नोप श्री हजारी राम जी धायल मंगाली सुरतिया से, ₹500 हरियाणा एग्रो बीज भंडार श्री डूंगरगढ़, ₹1100 बस्ती राम जी नेण पिरथला हरियाणा से, ₹100 गुप्त दान, ₹1100 गंगा विशन जी राड़ पारवा, ₹500 राजाराम जी गोदारा लिखमी सर, ₹1500 गुप्त दान। इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां, और इनका सहयोग हर वर्ष भी इसी तरीके से यहाँ पर भंडारे के लिए दाल है, चीनी है, सूजी है, वो निरंतर भेजते रहते हैं। तो आशा करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की हो और भगवान की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। जी गुरु, सभी दानदाताओं का हृदय से आभार, जिनका नाम शेष है उनको कल की सूची में बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। आरती आरती के लिए सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हमारे लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से निमंत्रण है, मुरादाबाद में कांट तहसील है जहाँ के राजा विष्णोई रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है भूड़ मंदिर, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में 19 तारीख को रात्रि में जागरण होगा। आपने ही 18 तारीख को जागरण है, 19 की कथा पूरी हुई, वहाँ कथा पूरी कर कोई जो कांट पहुँचना चाहो तो स्वामी जी महाराज थाने ले। धन्यवाद। आरती की जय श्री जम्ब गुरु देवा, आरन पावे बाबू अलकय बेवा।
धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, बोले गुरु शांति।